हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इंजन ऑयल बिजनेस। आप अपना इंजन ऑयल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम लेटेस्ट वीडियो ला रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फ्यूचर डिमांड। इस बिजनेस की फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम रिस्क है और हाई प्रॉफिट है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां जो है नई नई कंपनियां रोज लॉन्च कर रही है और पहले से मार्केट में गाड़ियां इतनी ज्यादा है और सड़क के ऊपर आप देख ही रहे हैं कितनी गाड़ियां रोज चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हर गाड़ी में इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है। अगर आप इंजन ऑयल का बिजनेस करेंगे तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ आपके लिए भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगर आप इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी और प्रेजेंट टाइम में इस बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। साथ ही साथ इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छा मार्जिन भी मिलता है। आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे चल के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इस बिजनेस से रिलेटेड जो आपको इस बिजनेस में सफलता में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा पॉइंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसी लोकेशन की जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आपके इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ऑटोमेटिक आए। तो अब हम बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट लोकेशन क्या रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइक रिपेयरिंग सेंटर हो, कार रिपेयरिंग सेंटर हो, दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल एसेसरीज मार्केट हो, या फिर पेट्रोल पंप हो, हाईवे हो, या फिर बस स्टैंड हो, या फिर बाइक रिपेयरिंग सेंटर हो, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटर है आपके जहां पर आप ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन बताई, अगर आप इसके पास में या फिर इसके थोड़ा सा दूर भी आपको कहीं पे भी शॉप मिल जाती तो आप अगर वहां पे इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। ये कुछ प्रमुख लोकेशन थी जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके जो एरिया के नगर निगम होगा वहां से भी आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डीलरशिप ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप दोनों तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो किसी कंपनी की डीलरशिप भी ले सकते हैं। ये आपके लिए दोनों ही जगह पे आपको फायदा रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अभी जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिटेल बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप जो है ज्यादा आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपके पास अच्छी खासी पूंजी है लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे डीलरशिप भी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा डीलरशिप में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और आपका डायरेक्ट रिटेल बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप डायरेक्ट रिटेल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो आप माल खरीदेंगे वो आप कहाँ से खरीद सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से माल उठा सकते हैं अलग अलग कंपनी का। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं इंजन ऑयल के होलसेलर, आपको डिफरेंट कंपनी के होलसेलर वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से भी अपनी पसंद का जो है जैसा आपको सही लगे मार्केट में जिस टाइप के इंजन ऑयल की डिमांड हो उस टाइप का इंजन ऑयल वहां से आप खरीद सकते हैं। वहां पर भी आपको अच्छे रेट पर इंजन ऑयल मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डीलरशिप। डीलरशिप के लिए आप अप्लाई करना होगा, आपको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है जिस कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं उस कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए, वहां पर आपको बिकम ए डीलर का फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के आपके एक से दो हफ्ते के बीच में आपके पास कंपनी की कॉल आ जाएगी, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन में आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर आपको कस्टमर केयर या कॉन्टैक्ट एक्स में जाके नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल कीजिए, वो आपके एरिया का जो एरिया मैनेजर होगा उसका नंबर देंगे, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको डीलरशिप कैसे मिल सकती है, वो सारी रिक्वायरमेंट बता देंगे। इस तरीके से आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 लाख रुपए की लागत लगेगी। आपको यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट, हमें इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप डायरेक्ट रिटेल बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30 से 50% तक मार्जिन मिल जाता है और किसी किसी इंजन ऑयल में तो आपको 50 से 70% तक मार्जिन भी मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप महीने का एवरेज भी यहाँ पे जोड़ के देखें
तो आप यहाँ से 50 से 70 हजार रुपये महीना आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर आने लगे, ज्यादा फुटफॉल आने लगे, तो ज्यादा आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए महीना भी आसानी से कमा सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप रिपेयर एरिया, हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जिस तरीके के मैंने मार्केट बताया, बाइक रिपेयरिंग सेंटर, ठीक है, सर्विस सेंटर इसके, या फिर पेट्रोल पंप के पास में, इस टाइप की जो लोकेशन होती है वहां पर पहले से बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट की शॉप वहां पर सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर छोटी शॉप भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो आप इतनी बड़ी शॉप कैसे सर्च करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ी छोटी भी शॉप मिल जाती तो वहां से भी आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग कंपनी की आप इंजन ऑयल वहां पे ला के रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप 200 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के बीच में अगर आपको जगह मिल जाती है तो आराम से आप उसके अंदर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 200 स्क्वायर फीट मिल जाती, 300 मिल जाती, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इसमें कितने फीट की आपको जो है स्क्वायर फीट की जगह मिल जाती है 200 से लेके 1000 के बीच में, तो आप वहां पे आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एरिया जो है डिस्प्ले का होगा, जिसमें आप कस्टमर के साथ में डील करेंगे, और कुछ एरिया आपको उसका आधा गोडाउन बनाना पड़ेगा जहां पर आप अपना स्टॉक रख सकें। तो यहाँ पर आपको कम से कम 200 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कुछ आपके लिए स्पेशल जो है सेल बढ़ाने की टेक्निक रहती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस में सेल बढ़ा सकते हैं या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकें। तो आज का हमारा जो प्रमुख पॉइंट है वो है, इफ यू वांट टू योर बिजनेस ग्रोथ सो यू नाउ कॉन्टेक्ट फॉर बाइक रिपेयरिंग सेंटर और मैकेनिक। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको जो आपके एरिया के आसपास के मैकेनिक हैं और जो बाइक रिपेयरिंग सेंटर वाले हैं, उनसे आपको जाके कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आप उनसे जाके बात कीजिए कि अगर उनको कोई भी इस टाइप के इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है तो आपकी शॉप का वो सजेशन कर सकते हैं कस्टमर को, साथ ही साथ उनको अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी आपसे ले सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उनको कमीशन नहीं देना है, ठीक है, कमीशन की बात नहीं करना है यहाँ पर। आप ऐसा कर सकते हैं जब भी आप चाहें, तो कोई त्यौहार पड़े या फिर कोई फंक्शन है तो उस टाइम पर आप जाके उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। गिफ्ट में आप ऐसा यूजफुल आइटम दीजिएगा जो उनके काम का हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई मीटिंग रख सकते हैं, उसमें सभी मैकेनिक को बुला के उनको सम्मानित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं गूगल मैप। आप अपना बिजनेस को गूगल मैप के ऊपर भी लिस्टेड करवा लीजिए। इसमें आप गूगल मैप पे अपनी शॉप का फोटो और आपकी शॉप की लोकेशन और साथ ही साथ आपकी शॉप का जो एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो डाल दीजिए, ठीक है, और जो सर्विस आप दे रहे हैं वो डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई ऑनलाइन सर्च करेगा तो जाके गूगल मैप के ऊपर आपकी शॉप को देख लेगा, ठीक है। तो जब गूगल मैप पे आपकी शॉप को देखेगा तो वापस को कॉन्टेक्ट कर सकता है, इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं फोकस ऑन बेस्ट कस्टमर सर्विस। आपकी जो भी कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आ रहा है, उनके साथ में आपको अच्छे से बात करना है, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में आपको बात करना है, ठीक है। तो जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो सामान को लें या ना लें, इंजन ऑयल लें या ना लें, लेकिन आपको बात उनसे अच्छे से करना है, रिस्पेक्टफुली बात करना है, वेलकम टोन के अंदर बात करनी है, ठीक है। जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको भी अच्छे से बात करनी है कस्टमर के साथ। इससे ये फायदा रहेगा जब भी कोई कस्टमर आपके यहाँ से सामान खरीद के जाएगा या ना खरीद के भी जा रहा है, तो वो लौट के जरूर आएगा, क्योंकि वो कस्टमर आपकी शॉप से खुश होकर जाएगा, सेटिस्फाई होकर जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी आप कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जो उससे बातचीत करें वो ऐसी करें कि कस्टमर आपके पास अगर सामान लेके जा रहा है तो लौट के दोबारा आए लेने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शॉप है उसमें रिटर्निंग कस्टमर बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो है माउथ पब्लिसिटी भी ऑटोमेटिक होने लगेगी, वो जहां पर भी जाएगा और अगर इंजन ऑयल की बात आती है तो वो आपकी शॉप की जरूर बात करेगा, वो लोगों को जरूर बताएगा कि वहां पे जो लोग हैं वो अच्छे से बात करते हैं, वो शॉप बहुत बढ़िया है, वहां के लोग बहुत बढ़िया है और वहां पे ऑयल भी अच्छा मिलता है, तो वो सारे कस्टमर जो हैं आपके पास लेके आएगा, ठीक है। तो इससे आपकी सेल भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।